The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello, parents. Ya, yeah, your babies born in a pe red patch hai ya mathe pe ya eyelids pe ya cheeks pe pink, pinkish patches hai, and you are worried ki your birthmark is rahega ya kab और कुछ सालों तक ये रहता है अपने आप सबसाइड कर जाते हैं कहाँ कहाँ कॉमन होता है ये आईलिट्स के ऊपर फोरहेड पे ऐसे वी मार्क्ना हुआ होता है और पीछे गर्दन पे ऐसे यहाँ पर नेप ऑफ द नेक पे ये जनरली हार्मलेस होता है इसका कोई नुकसान नहीं होता हाँ कॉस्मेटिकली थोड़ा पेरेंट्स को लगता है कि ये रेड पैच है बच्चे का कब तक रहेगा ब्यूटी मार्क है या माथे पर या चेहरे पे होता है क्योंकि गर्दन का तो पीछे बाल आ जाते हैं तो नहीं उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता ये इसलिए होता है क्योंकि स्किन के सरफेस पे कुछ वेसल्स का डायलेटेशन हो जाता है कलेक्शन होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं और वो थोड़ी सी डायलेटेड रहती हैं तो वहाँ पर एक पैच बन जाता है अब उस पैच के बनने से कोई ऐसा नुकसान नहीं होता इट इज़ नॉट डेंजरस टू बेबीज हेल्थ और धीरे धीरे एक दो साल के अंदर वो मोस्टली अपने आप सब्साइड कर जाता है मैक्सिमम बच्चों में सारे पैचेस ऐसे अपने आप सब्साइड कर जाते हैं और उसके लिए कोई अलग से आपको क्रीम्स या कॉस्मेटिकली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है बहुत 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 रेयर कॉजेज होते हैं कि, कि किसी रेयर कंडीशन में ये कोई अंडरलाइन कंडीशन का कोई इसके साथ कोई एसोसिएशन निकले लेकिन ऐसा कॉमनली नहीं होता है तो दे आर एब्सोल्यूटली हार्मलेस इससे बच्चे की सेहत पर बच्चे की स्किन पर या बच्चे को कोई भी एलर्जिक टेंडेंसी या ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होगा ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके लिए जनरली क्योंकि ये अपने आप ठीक हो जाता है कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है कुछ बच्चों में कुछ केसेस होते हैं फाइव टू टेन परसेंट कि जो बच्चे आगे चलकर भी वो पैच उनके चेहरे पे रह जाता है स्पेशली आइज़ के ऊपर या माथे के ऊपर तो उसके लिए आप सिंपली डर्माटोलोजिस्ट से जब बड़े हो गए दस पंद्रह साल के बच्चे हो गए तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वो पैच सबसाइड हो जाएगा उसके अलावा कोई क्रीम्स कोई कॉस्मेटिक्स आपको उस पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक बाइट्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं हार्मलेस होती हैं अपने आप सब्साइड कर जाती हैं उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है थैंक यू